नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां पूर्व सांसद गोविंद मिश्र ने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। आपको बता दें कि गोविंद मिश्र का नाम मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं में शुमार है। वो लंबे समय तक सीधी जिले की चुरहट विधानसभा सीट से कई बार बतौर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव लड़े। चुरहट से वो दिग्गज कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह के खिलाफ बीजेपी से मैदान में उतरते रहे और बाद में उनके पुत्र अजय सिंह राहुल के खिलाफ वे भाजपा सरकार में ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष रहे और एक बार विधानसभा चुनाव भी जीता, जबकि अजय सिंह राहुल चुरहट से चुनावी समर में नहीं थे। गोविंद मिश्र सीधे से बीजेपी के टिकट पर सांसद भी बने, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में टिकट ना मिलने से वो काफी नाराज थे। गोविंद मिश्र ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने भाजपा से इस्तीफा राजधानी भोपाल में दिया है, लेकिन इस आशय से कि पत्रकार वार्ता वो सीधी में कर देश चला जाए कि हम आज से भाजपा से अपना वो अलग कर। मुख्य उद्देश्य ये रीति नीति से ध्यान तो मतलब कि जनता ये समझ ले कि वो भी भाजपा में नहीं है। अपना उद्देश्य ये आज और दूसरा कि मैं भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, मैं सीधी में किया कि सीधी के मीडिया के मित्रों के माध्यम से जो बात जाएगी और जिनके माध्यम से मुझे ये ऊंचाई मिली है कहीं न कहीं इस मीडिया का ही है। समझ रहे हैं ना, आप चाहे तो दो मिनट में किसी को सामने लाते और चाहे दो मिनट में किसी को काफी एकदम बैक बेंचर बना दिया। तो ये था कि जो कुछ प्राप्त हुआ है सीधी से प्राप्त हुआ है और सीधी के मित्रों के साथ बैठ कर ये चर्चा। आप किसी को गाली देकर छुटप्पन की बात करके लोगों का आम जनता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। राजनीति हमारी हमेशा मूल्यों के आधार पर ही है, सकारात्मक चिंतन से होती है। मैंने कभी अपने विरोधी को भी हल्की बात नहीं, बल्कि मेरे ऊपर दोषारोपण लगता था कि ये मिले हुए, क्योंकि मुंह से किसी को गंदा कहना, अगर वो गंदा नहीं है और हम गंदा कहेंगे सब समाज समझता है, कभी हल्की बात करने से कोई फायदा नहीं। सांसद ऋतिक पाठक का बयान आया है सामने कि कोई अगर नेता जाता है, बुजुर्ग नेता जाता है तो जाए, उसमें दुख बहुत हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या कहा? दुख बहुत होता है बुजुर्ग नेता को जाता है तो दुख बहुत होता है। नहीं, काहे का दुख होता है? पार्टी छोड़ के जाता है। पार्टी छोड़ के जाता है तो उसके दुख को वो कहाँ से नाप पाएंगे? समझ रहे हैं ना, सबकी वेदना अलग होती है, सबकी चुभन अलग होती है, सबका दर्द अलग होता है। सहज होकर आज भाजपा से इस्तीफा देना पड़ रहा है। रेलवे के बारे में क्या कहेंगे? रेलवे में मैं जब सांसद था तो बघवार से लेकर छुईया पहाड़ से लेकर डढ़िया गांव है ग्राम पंचायत, करीबन 45 गांवों का मुआवजा मैंने पेमेंट करवा दिया था। और वहां पर आज पता लगाएंगे आप तो करीबन 300-350 लोगों को नौकरी मिली। सिंगरौली से बनारस, सिंगरौली से जबलपुर इंटरसिटी मेरे जमाने में चली। यहां पर शक्ति पुलिका मड़वास में स्टॉपेज नहीं था, मेरे जमाने में हुआ। विपक्ष में रहते हुए यही हमने काम किया था। और आप विपक्ष में रहे हमेशा अर्जुन सिंह के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, लेकिन आपने अर्जुन सिंह की कभी ऐसी कोई नोक झोंक आपके देखिए कभी भी? इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और खास खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। और हाँ, गुड मॉर्निंग टीवी को YouTube में सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।